आपके फेवरेट कलर्स टीवी पर एक बिल्कुल नया शो शुरू होने वाला है। ये शो ब्यूटी एंड द बीस्ट से इंस्पायर्ड शो होने वाला है, जिसका नाम भी ऑफिशियली आ गया है। तो इस शो का नाम होने वाला है प्रेम कहानी। तो इस शो में हमें कौन देखने को मिलेगा, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कलर्स टीवी पर एक बिल्कुल नया फैंटेसी बेस्ड सीरियल आने वाला है। शो का नाम होने वाला है प्रेम कहानी, जहां पर ये शो कहा जा रहा है ब्यूटी एंड द बीस्ट से इंस्पायर्ड शो होने वाला है। इस शो में हमें कुशल टंडन और ईशा सिंह मेन लीड्स में नजर आने वाला है, जहां पर ये शो कहा जा रहा है नागिन 6 को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया था कि वो नागिन 6 को ऑफ एयर करने वाला है, कलर्स टीवी पर बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है और उसका ऑफिशियल नेम भी आ गया है, जिसका नाम होने वाला है प्रेम कहानी। इस शो का कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट से प्रेरित कहानी होने वाली है, जहां पर इस शो में हमें कुशल टंडन बहुत सालों के बाद टेलीविजन के पर्दे पर नजर आने वाली है। लास्ट टाइम उनको हमने देखा था सोनी टीवी के शो बेहद में, उसके बाद उनको हमने किसी भी शो में नहीं देखा। पहले हमने उनको देखा था 1000 में मेरी बहना है, जो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। ईशा सिंह टेलीविजन की एक जनप्रिय एक्ट्रेस है, उनको हमने इश्क सुभानअल्लाह, एक था राजा एक थी रानी, जहां पर उनको हमने लास्ट देखा था कलर्स टीवी के शो सिर्फ तुम में, जिनको ऑडियंस ने काफी तरह पसंद किया था। उनको हमने कलर्स टीवी के दो सीरियल में देखा है, पहले सीरियल का नाम था इश्क का रंग सफेद और दूसरे सीरियल का नाम था सिर्फ तुम, जिनको ऑडियंस ने इस शो में काफी तरह पसंद किया था। तो उनको फिर से टेलीविजन के पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, जहां पर इस शो की कहानी फैंटेसी बेस्ड होने वाली है, जहां पर इस शो में हमें एक लड़की और एक बीस्ट की कहानी दिखाया जाएगा, जो काफी ज्यादा ऑडियंस एक्साइटेड हो रहे हैं इस शो को देखने के लिए। तो इस शो को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।